हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको कल्पतरु पावर के क्वार्टर थ्री रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको कल्पतरु पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो कल्पतरु पावर का जो मुनाफा है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। ये देखिए आप, 131.5% की ग्रोथ यहाँ पर आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। और जो इसका टोटल प्रॉफिट है वो भी देखिए, 308 करोड़ का यहाँ पर इसको अभी टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है। अब देखिए, 131.5 मतलब अगर पिछले साल कंपनी ने 100 रुपये का मुनाफा कमाया था, तो इस बार 231.5 रुपीस का कंपनी ने मुनाफा कमाया है। तो देखिए, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। अब अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये रेवेन्यू देखिए, 10.72% की ग्रोथ यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में भी देखने को मिली है। और जो टोटल रेवेन्यू है वो अब 3501 करोड़ का निकल कर आया है। तो देखा जाए, ओवरऑल जो इसके नतीजे हैं वो अच्छे निकल कर आए हैं, और ऐसा लग रहा है मुझे ये जो रिजल्ट इसके अभी निकल कर आए हैं तो मंडे को आपको इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है 41.97 और आपको मिल रहा है 14.52 पे। और अभी जिस तरीके से नतीजे इसने पेश किए हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग ईयरली बेसिस पर सिर्फ 10 का ही होता हुआ नज़र आता है। तो अभी ये बहुत ही अंडर वैल्यूड ये शेयर अभी है। और अगर इसके प्राइस टू बुक रेशियो की बात की जाए तो उसमें भी ये देखिए, सेक्टर के मुकाबले लगभग आपको 1/3 वैल्यूएशन पर ये शेयर अभी मिल रहा है। अगर डिविडेंड की बात करें, सेक्टर में भी नी के बराबर डिविडेंड है, यहां पर भी नी के बराबर ही डिविडेंड है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो ये देखिए, 5430 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन अगर इसके सेक्टर से कंपेयर किया जाए, मतलब अगर सेक्टर जितनी वैल्यूएशन अगर इसकी होती है तो ये लगभग 20,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला शेयर आपको होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर इसके रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो इसका रेवेन्यूज़ कंटिन्यूसली लगातार बढ़ता ही चला गया है। पिछले 4 साल से लगातार इसके रेवेन्यूज़ में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिला है। अब अगर रही बात इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो पिछले साल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में 80 करोड़ की जो गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद इस शेयर में भी आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन अभी जिस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं, मेरे ख्याल से जो रिकवरी जो यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिला था, वो रिकवरी मेरे ख्याल से आपको अब देखने को मिल सकती है। अब ये देखिए, 364.70 पे ये शेयर अभी चल रहा है। 554 का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई से आपको अभी 190 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। मतलब लगभग 35-40% ये शेयर आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ से ये शेयर इसने हाई को भी छू लेता है तो आपको 35-40% के रिटर्न देकर चला जाएगा। आप इस पर ये नज़र डालिए, 380 करोड़ का मुनाफा इसने पूरे साल में कमाया था पिछले साल, और इस बार इसने एक क्वार्टर में ही 308 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है। तो देखिए, जिस तरीके से इसने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, तो अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रखा है तो मेरे ख्याल से आपको आने वाले हफ्ते के अंदर इसके अंदर आराम से 400 या 420 तक के लेवल देखने को मिल सकते है, तो आप उस प्राइस पे इसको सेल कर सकते हैं। अब रही बात क्या आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप किसी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अडानी पावर भी अच्छा है, अडानी और जो अडानी ट्रांसमिशन है वो भी अच्छा है, और कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन भी यहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और फंडामेंटली अभी बहुत अंडर वैल्यूड है। और जिस तरीके से रिजल्ट्स इसने पोस्ट किए हैं, मेरे ख्याल से इसके गिरने के चांसेस कम हैं। अगर बाई चांस मार्केट में एकदम
अच्छी खासी सेलिंग होती है तो ये गिरेगा। बाई चांस मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इसके गिरने के चांसेस अभी हैं। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी करंट मार्केट प्राइस पर भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर आपने इसमें पहले से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको बाय कर रखा है, तो अगर आपने इसको बाय कर रखा है मेरे ख्याल से बने रहिए। लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है, जब तक बिजनेस में ग्रोथ है आप इसको पकड़ के रखिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन के क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।